हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है रविशंकर और आप देख रहे हैं माई सेल्फ ठाकुर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे फायर इफेक्ट वाला इंट्रो बनाते हैं, और इस इंट्रो को बनाने के लिए जो जो भी चीज़ें ज़रूरी है हमने उस सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है पिक्सार्ट में। पिक्सार्ट में जाने के बाद आपको सिंपली एक फ़ोटो बना लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट डालना है, जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम डाल रहा हूँ माई सेल्फ ठाकुर, और इसको डन कर देते हैं। और यहाँ थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा लेते हैं। स्ट्रोक बढ़ाने के बाद हम फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट को चेंज करने के लिए हम स्टाइलिश फॉन्ट थोड़ा ले लेते हैं। स्टाइलिश फॉन्ट में ये वाला थोड़ा सही है, तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद डन कर देते हैं। और इस फोटो को हम सेव कर लेते हैं। फ़ोटो को सेव करने के बाद हमको सिंपली जाना है बैकग्राउंड इरेजर में, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा है। और ये फ़ोटो हमने बनाया था, टेम्पलेट्स हमने बनाया था, तो इसको डन कर देते हैं। और उसके बाद ऑटो पे क्रिएट कर सेलेक्ट करते हैं, और इसका जो बीच का स्पेस है वो हमको क्या कहते हैं रिमूव करना है, ये वाला स्पेस हमको रिमूव करना है, ये सब स्पेस हमको रिमूव कर देना है। तो बारी बारी से हम सब इसका स्पेस रिमूव कर देते हैं। हर वर्ड का हम अंदर का जो है बैकग्राउंड हमने चेंज कर दिया, रिमूव कर दिया, और इसको सेव कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद सिंपली हमको जाना है किन मास्टर में जाने के बाद हमको एक प्रोजेक्ट को एडिट करना है, ऐड करना है प्रोजेक्ट को, और वहाँ से जाना है सिंपली एक बैकग्राउंड का ले लेते हैं, जैसे यही ले लेते हैं ब्लैक वाला बैकग्राउंड, और उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हमको लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद एक वीडियो हमने डाउनलोड करके रखा है, इस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इसको हमें ले लेना है। और इसको कुछ यहाँ से शुरू करना है, इसको कट कर देते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करने के बाद अब हम आपको एक और एक बार और लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद जो हमने ये इरेजर से बैकग्राउंड रिमूव किया था, इस फोटो को हमें ले लेना है। फ़ोटो को लेने के बाद इसको हम पूरा फिल कर लेते हैं। ये हो गया आपका ऐसा, और इसको हम प्ले करते हैं। इसको हम करते हैं प्ले, देखिए कैसे चल रहा है। तो ये इंट्रो बहुत ही अच्छा बना है। इसको डन कर देते हैं और उसके बाद एक थोड़ा सा म्यूजिक लगा लेते हैं। तो यार हमको अब सिंपली एक फायर इफेक्ट का साउंड चुन लेना है। तो चलिए हम अपना पहले फायर इफेक्ट वाला साउंड चुन लेते हैं। तो हमने उसको डाउनलोड करके रखा है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक। तो ये रहा हमारा फायर इफेक्ट वाला साउंड, इसको हम चलाते हैं। तो यहाँ से कट कर देते हैं जहाँ से साउंड
शुरू हो रहा है वहाँ से इसको कट कर देते हैं। और अब ये हमारा इंट्रो बनके तैयार हो चुका है। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें।